आई गेस ये म्यूज़िक वीडियो के थ्रू से मुझे भी मौका मिला एक अलग किरदार निभाने का. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गॉट टू डू दिस. डेफिनेटली क्लब सॉन्ग है. हमने पहले सोचा था कि होली के आसपास निकालेंगे बट आइदर वे इट्स लाइक आई मीन कुछ भी लेट नहीं. आई थिंक इट्स करेक्ट टाइमिंग बिकॉज दुआ दुआ ऐसा एक गाना है जो मैं सुनूंगी तो मैं गाड़ी में भी आई वॉन्ट टू डांस, क्लब में भी डांस कर सकती हूँ, कहीं पर भी. इट्स जस्ट अ वेरी फील गुड सॉन्ग. या True. I think मुझे हुक स्टेप काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज एवरी सॉन्ग नाउ डेज बॉलीवुड में एक हुक स्टेप तो चलता है. एंड इन्होंने तो नहीं नहीं धुआ 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 धुआ. आई थिंक दैट हुक स्टेप गॉट मी हुक्ड ऑन. सर आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्रिदा के साथ और थोड़ा सा बताइए गाने के बारे में. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. गाना बहुत अच्छा है. पूरी टीम को शुक्रिया जिन्होंने गाना बनने से लेकर के इसको आखिरी कट होने तक ने हर किसी ने साथ दिया है और चार चांद लगाया है त्रिधा ने इस गाने में आके. आप देख भी रहे हो सीरियसली टीम एफर्ट है. सीरियसली टीम एफर्ट है मगर आपका इस गाने में होना इसकी खूबसूरती बढ़ाता है. सो धुआं धुआं है अभी तक इनको लोग हमेशा जहाँ तक मैंने सुना है कि आश्रम फेम आश्रम फेम. अब तो ये आपके ऊपर है कि धुआं धुआं गर्ल धुआं धुआं गर्ल धुआं धुआं गर्ल. आश्रम में बहुत धुआं होता है ना. आप बताइए. आई थिंक मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है. माई बेस इज क्लासिकल. आई स्टिल फील मैं रिहर्स कर सकती थी बेहतर दे सकती थी. आई थिंक आई ऑलवेज क्रिटिसाइज माई ओन वर्क. मुझे लगता है मैं हमेशा बेहतर कर सकती हूँ. बट एक साथ हमने इन्जॉय किया गाना. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. हम सब ने बहुत इन्जॉय किया गाना. डांस करना गाना एक साथ दैट वॉज इन्जॉयबल. थैंक यू. पहले तो आपने हमारे गाने को सराहा. थैंक यू सो मच. हम अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं. अभी किसी फॉर्मेट पे नहीं जा रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है लोग क्या कर रहे हैं. हम अपना पूरा एफर्ट हमारी पूरी टीम अपना पूरा एफर्ट गाना बनाने में दे रहे हैं अच्छे आर्टिस्ट को साथ लाने में दे रहे हैं और गाना अच्छा बन रहा है. बस ये ईमानदारी हमारी टीम में मुझ में हम सब में बनी रहे तो हम अच्छा गाना आपको देते रहेंगे. और ये गाना जो है इसकी धुन जो है एकदम देसी है ज़मीन से जुड़ी लगती है. तो इस चीज़ को आपको ऐसे गाने को फिर एक क्लब सेटिंग दे रहा है इसके पीछे की सोच जरा बता. ये कहीं से उस दौर के नहीं लगते हैं पहले ये बताओ. ये तो आजकल वाले लगते हैं. मुझे लगता है गाना एक चीज़ है बहुत टाइमलेस है. कोई भी गाना पकड़ लीजिए आप. आई थिंक गाना ऐसा होना चाहिए कि आप आज सुने कल सुने बार बार सुने. दैट इज़ हाउ इट शुड बी. तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ क्लब के लिए बना हुआ है. आप गाड़ी में भी सुन सकते हैं. मॉर्निंग वर्कआउट करते समय आप सुन सकते हैं. आई थिंक दैट इज हाउ आई पिक्चर द सॉन्ग. एग्जैक्टली. प्रणव मेरा सवाल है आपसे एक सवाल है कि भाई आपने इस गाने को लिखा है आपने इसे पिन डाउन किया है क्या जब ये गाना आप लिख रहे थे तो उसी वक्त सोच लिया था कि भाई इस गाने में जो आपके साथ फीचर करेंगी वो त्रिधा चौधरी होंगी तभी सोच लिया था या फिर उनकी कास्टिंग बाद में हुई कैसे हुई. हर काम का अपना किस्मत होता है. इस गाने की किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस गाने को त्रिधा चौधरी मिली और जब मैं लिख रहा था उससे ज़्यादा मजबूती की बात यह है कि इस पे म्यूज़िक जो दिया विवियन रिचर्ड ने उन्होंने पहले मुझे म्यूज़िक दिया कि आप इस पे लिखो तो ये पूरा श्रेय संगीत का विवियन रिचर्ड को जाता है. उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था. मेरे ख्याल से काफ़ी देर तक हम लोग की टीम बातचीत कर रही थी कुछ गाना एक साथ करेंगे तो मुझे डेफिनेटली गाना काफ़ी अच्छा लगा और बस मेरी टीम की क्रिएटिव हेड है श्रुति शुक्ला उसको थैंक यू उसके कारण त्रिधा चौधरी इस गाने में है.
प्रिपरेशन के बताइए, डांस स्टेशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे कहा कि देव थापे ने किया है डायरेक्शन, ही इज डेफिनेटली डन अ वंडरफुल जॉब. ऑफ कोर्स ऋषि एज वेल. और मुझे लगता है कि जैसे मैंने ऑनेस्टली बोला, मुझे लगता है मैंने और रिहर्स करती तो और बेहतर परफॉर्म कर पाती, बिकॉज आई ऑलवेज आई एम नॉट टू हैप्पी विद माई वर्क. बट सबको आई होप अच्छा लगा एंड कुडंट हैव डन इट विदाउट द अमेजिंग टीम. एक्चुअली लास्ट दो साल तक मैं शूटिंग कर रही थी काफ़ी सारे फिल्म्स के लिए जो इस साल रिलीज होने वाले हैं. सो दिस इज़ अ ईयर फॉर रिलीजेज फॉर मी, म्यूजिक वीडियोज, मूवीज, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. सो आप लोग को जल्दी पता चलेगा. One of them is with Jio Studios, that's all I can tell you. Wow. It involves what? Booty. Okay. नहीं, डायरेक्टर को मैं, यू हैव टू ऑलवेज ट्रस्ट योर डायरेक्टर कि वो क्या काम निकलवा रहे हैं आपके साथ. एंड आई डोंट थिंक कुछ भी वल्गर लगता है इफ इट्स एग्जीक्यूटेड. डांस एक चीज़ है बहुत, आप क्रिएटिवली यू हैव टू सरेंडर टू द कैमरा, टू द ऑडियंस एंड एवरीथिंग. सो उस वक्त आपको नहीं सोचना है कि क्या लगे, यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू द कैमरा. इट्स जस्ट दैट. राइट. देव जी और ऋषि देव थापे कोरियोग्राफर हैं जो गणेश आचार्य जी के बहुत समय से गणेश आचार्य जी के टीम में रहे हैं, उनको उन्होंने असिस्ट किया है. और इसका जो डायरेक्शन किया है वो ऋषि कुमार और देव थापे ने मिलके किया है. आई एम सो हैप्पी गणेश सर हैज शेयर्ड आवर सॉन्ग. एग्जैक्टली, उन्होंने पोस्टर अनवेल किया था तो ये बड़ी बात है हमारे लिए. उनको बुला लेते हैं, उनको बुलाते हैं. रुके, पहले मैं ये बताता हूँ, वो जो लड़का है, वो जो आप देख रहे होंगे अंत में, कह रहा है, वो कह रहा है कहाँ गया मेरा पैसा, कहाँ गया. वो प्रोड्यूसर भी हमारा. प्लीज वेलकम विनोद पालीवाल जी, आइए. नमस्कार पालीवाल जी, आपको जैसे मैंने कैमरे पे देखा, एक सेकंड लगा जैसे मेरे सामने युजवेंद्र चहल है. सर एक्चुअली ये बात करें तो मेरे साथ ये भी हुआ था, हम फर्स्ट टाइम जब गए थे ना वृंदा जी से, हमारी एक पार्टनर है उनसे मिलने, तो हम रास्ते में आ रहे थे, तब हम वहाँ पे रुके थे नाश्ता करने के बाद, तो वहाँ पे कोई बंदा आया था सेल्फी लेने, नीचे उतर, सर सर सेल्फी. मैंने कहा क्या हुआ, युजवेंद्र चहल हो? मैंने कहा नहीं नहीं. लेकिन सच में पालीवाल साहब आपकी फिटनेस बड़ी कमाल की, इसका कुछ राज है, कोई फंडा है? प्लीज प्लीज बता दो. नहीं राज कुछ नहीं है, पता नहीं, कुदरती सही है. ऐसे ही शुरू से सर आपको गाने में लाने का डिसीजन आपका था कि इन लोगों ने नहीं नहीं मतलब जैसे प्रणव भाई इन्होंने कहा था कि थोड़ा आप भी देखो, तो फिर इस हिसाब से मैं आया था. पहले आपका क्या रिएक्शन? पहले रिएक्शन ये था प्रोड्यूस करना सॉन्ग को और हिट करना, हिट करना, बड़ा करना, बड़ा काम करना. मतलब आसान था इनको मनाना? नहीं, मैं तो एक ही बार बोला, इन्होंने चार बार हाँ बोल दिया. मैंने कहा करोगे? हाँ 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 हाँ. All right, thank you so much. Thank you. Pranav, sir, how are you? Haan ji, main introduce.